एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। आप प्लीज वहाँ वेट कीजिए। सर आप अंदर जाइए। सर मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। सर मैं मयंक, मयंक शर्मा, इंटरव्यू के लिए आया था। हाँ तो दोनों इंटरव्यू जकू उठा भी मयंक, मयंक, मयंक उठा दो मिनट, दिखा दो भाई। मयंक दोस्त, दोस्त हो ना दोस्त, दिखा दो भाई प्लीज, फेल हो जाऊंगा मैं, प्लीज प्लीज दिखा दो। मयंक शर्मा 82% राजन 26% जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ 42%। अरे वाह पास हो गया, अरे पास हो गया। क्या हुआ चौक गए जग्गू को जगन्नाथ बना देख के? देखो भाई ये सब किस्मत का खेल है। जग्गू ये किस्मत का नहीं, हमारे देश के सिस्टम का खेल है। जिन्हें कभी ठीक से कलम भी चलानी नहीं आई उन्हें देश चलाने के लिए दे दिया जाता है। ए मत भूलो मयंक कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हो। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें इंटरव्यू में फेल भी कर सकता हूँ। जो कभी अपने दम पे पास नहीं हुआ वो मुझे क्या फील करेगा। तुम्हारे क्वेश्चंस की लिस्ट से कहीं लंबी है मेरे आंसर की लिस्ट। बस मयंक बस, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें धक्के दे के बाहर निकलवा सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है और ना मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति। अरे राजन, राजन तुम यहां? वो मैं यहाँ, वो क्या ना करता यार, कॉलेज ख़त्म होते ही माँ का देहांत हो गया, फिर मुझे जल्दी शादी करनी पड़ी और अब तो मेरे दो बेटियाँ भी हैं। कहाँ मर गया है साला राजन? अच्छा मयंक अभी बॉस बुला रहे हैं, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ।